नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। आप सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिखाते हैं आपको झालावाड़ जिले की तमाम बड़ी खबरें। बात करते हैं सबसे पहले उनेल क्षेत्र से। उनेल कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में 5 दिवसीय दीपोत्सव के तहत दीपावली बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। दीपावली पर्व पर माँ लक्ष्मी की पूजा की गई, वहीं बच्चों ने आतिशबाजी कर खुशियाँ मनाई। दूसरे दिन गोवर्धन पूजा कर दीपावली के एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान नागेश्वर दीप चौक पर सैकड़ों लोगों ने दीपावली मिलन समारोह मनाया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान कस्बे सहित नागेश्वर जैन मंदिर पर भगवान नागेश्वर पार्श्वनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। झालावाड़ जिले के उगेना गाँव में समस्त ग्रामवासियों ने किया मतदान का बहिष्कार। उगेना गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव के अंदर मूलभूत सुविधाएं से आज भी ग्रामीण वंचित। आजादी के इतने दिनों बाद भी गांव में पेयजल, सड़क, बिजली समस्या से महरूम ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। आप कहाँ के रहने वाले हो? इकलेरा के। इकलेरा के। और यहाँ कौन सा गांव जा रहे हो? उगेना। उगेना। किस काम से जा रहे हो आप? मेरा सास रहे वहाँ पर। अच्छा अच्छा, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम आती है आप आते जाते हो? जो रोड की बहुत समस्या है यहाँ पर, है ना, पूरा कच्चा है, पूरा का पूरा ही कच्चा है। कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है इस रोड की। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने जब भी आते हो, जब बरसात में ज्यादा परेशानी आती है? बहुत ज्यादा, इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं इसमें, है ना। और तो यहाँ पे आपको क्या परेशानी है? हमारे यहाँ रोड की परेशानी है। हाँ। अब जब से हम वोट कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं यहाँ से, सब आश्वासन देते हैं सरकार वाले, सब यूँ कहते हैं कि हमारे तुम्हारे रोड बना देंगे अगले साल बनेंगे। अभी तक रोड नहीं आया, इसलिए हम इस बार भी वोट देने नहीं जाएंगे पूरे गांव में, है ना। तो आपने जो बहिष्कार का ये करा है, तो इसमें आपने कई बार कैसे भी तो पूछिए, कई बार से कहा होगा ना, आपको आश्वासन भी दिया होगा, आश्वासन अगली बार विधानसभा के जो ये जनपद जिला परिषद के जो चुनाव हुए थे, हाँ, उसमें हमने बहिष्कार किया था, हाँ, उसके बाद प्रशासन भी आ गया था यहाँ पूरा, हाँ, उन्होंने हमको समझा बुझा के बोला, हाँ, कि भाई अगली बार आपका रोड कंप्लीट करवा देंगे और आपको वोट दिलवा दिया, समझा के हमको वोट दिलवा दिया। ठीक, धन्यवाद। अब बात करते हैं चौमेला कस्बे से। चौमेला कस्बे में दीपोत्सव के पावन पर्व पर आज गोवर्धन पूजा के अंतर्गत महिलाओं ने गोबर से गोवर्धन महाराज का निर्माण कर पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक लोकगीत गाए, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में गायों की पूजा अर्चना की गई। अब बात करते हैं पिड़ावा क्षेत्र से। पिड़ावा क्षेत्र के कोटड़ी ग्राम पंचायत में आज दीपावली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत कोटड़ी में सरपंच हरिराम गोचर की अगुवाई में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की गई, वहीं मिठाइयाँ वितरित की गई, वहीं एक दूसरे को बधाइयाँ दी। वहीं सरपंच गोचर ने सभी ग्राम इस पंचायत स्टाफ, वार्ड पंच, सफाई कर्मचारियों एवं स्वच्छ भारत योद्धा टीम के सदस्यों को माला पहनाकर गिफ्ट पैकेट, वहीं मिठाइयाँ, कॉमन यूनिफॉर्म भेंट कर सम्मानित किया। पिड़ावा कस्बे में झालरापटन विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल चौहान ने जनसंपर्क किया। इस बार कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने स्थानीय नेता और पूर्व प्रधान रामलाल चौहान को मैदान में उतारा है। स्थानीय नेता को टिकट मिलने से क्षेत्र के कई लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। रविवार रात्रि को पिड़ावा में झिरी मोहल्ले में जनसंपर्क के दौरान नौजवान कमेटी की ओर से चौहानों को लड्डुओं से तोला गया। वहीं यहां पर नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया उन्होंने। वहीं सोमवार को चौहान ने बड़ा जैन मंदिर में दर्शन कर अपने जनसंपर्क की शुरुआत की गई। इस दौरान उन्होंने नगर के नयापुरा, वीडियो चौराहा, खंडूपुरा, पिपली चौक, 56 दरवाजा, शेर मोहल्ला, सेठान मोहल्ला, सुल्तानपुरा में जनसंपर्क किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस, तुम्हारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों, मैसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की।
के बाहर के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, ये तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट टूट गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है चार तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। टाइप पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आर पीटीओ। वाह चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? नहीं, नहीं। मैसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मैसी की बचत के बारे में तो सब जानते। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।